ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की इस आयत मुबारक में इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल वल्लज़ीन मअहू और जो आपके साथ हैं आपके सहाबा ये अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रहमाउ बैनहुम ये कुफ्फारों पर बड़े सख्त और आपस में बड़े रहमदिल हैं। आजकल हमारा हाल यह है कि हम आपस में बड़े सख्त हैं गैरों पर बड़े रहम दिल हैं। तो हमें कुरान पाक की आयत मुबारका पर भी अमल करने की ज़रूरत है और सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। तो सर अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आपके साथ जितने भी हैं वल्लज़ीन मअहू ये सब के सब अशिद्दाउ अलल कुफ्फार व रहमाउ बैनहुम सहाबा इकराम और दिगर शख्सियात इस्लाम का हम तज़किरा करते चले आ रहे हैं पूरे माह रमज़ान मुबारक में। आज जो है मैं कुछ शख्सियात के ताल्लुक से मुख्तलिफ शख्सियतों के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। बहादुरान इस्लाम में एक शख्सियत हज़रत अनस इब्न नज़्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हैं। हज़रत अनस इब्न नज़्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप हज़रत अनस इब्न मालिक के चचा हैं और बड़े बहादुर थे। आपकी बहादुरी शुजात ही की वजह से आपके बाप मालिक ने आपका नाम अपने भाई अनस के नाम पर अनस रखा। यानी ये अरब का रिवाज है वो अपने बाप दादाओं के नाम पर अपने भाइयों के नाम पर अपनी औलादों के नाम रखते हैं। जिस शख्सियत को देखते हैं कि हमें अच्छी है इसके नाम पर नाम रखना चाहिए तो नाम रखते हैं। तो वैसे ही मालिक तो हालत कुफ्र ही में मरा तो मालिक ने अपने बेटे का नाम जब उसके घर पैदाइश हुई लड़के की तो उसने अपने बेटे का नाम अनस रखा अपने भाई अनस इब्न नज़्र के यानी कि बहादुरी देखते हुए और उनके नाम पर अपने बेटे का नाम भी अनस रखा। तो चाचा भतीजे दोनों का नाम अनस है। तो ये अनस इब्न मालिक उनके चचा अनस इब्न नज़्र और अनस इब्न नज़्र जो बड़े बहादुर थे बड़े शुजाअ थे और आपने इस्लाम कबूल किया उसके बाद सबसे पहली जंग जंग बद्र हुई। तो जंग बद्र में शरीक नहीं हो सके इसलिए कि जंग बद्र में जंग के लिए निकले ही नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम को लेकर निकले कुफार यानी कि कुफार कुरैश का काफ़िला जो मुल्क शाम से लौट कर आ रहा था उसे रोकने के लिए कि चलो उनका रास्ता रोकते हैं उन्हें सबक सिखाते हैं ताकि वो मुसलमानों की छेड़खानी मुसलमानों को छेड़ना बंद कर दे मुसलमानों को सताना परेशान करना बंद कर दे। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर से जमात चंद लोगों को लेकर निकले वो 313 थे और उन 313 में से 8 लोग वापस कर दिए गए यानी कहीं ना कहीं रोक दिए गए। हज़रत उस्मान गनी को मदीने ही में रोका सरकार की बेटी हज़रत रुकैया बहुत सख्त बीमार थी जो हज़रत उस्मान की बीवी थी तो सरकार ने उनको वहाँ रोका कि तुम रुको मदीना मेरी बेटी का ख्याल रखो तुम्हें शिरकत का सवाब मिलेगा माल गनीमत में से हिस्सा भी मिलेगा। तो एक ये हो गए 313 में से एक कम ये उसके अलावा भी दिगर 7 लोग ऐसे थे जिन्हें रास्तों में रोका गया। एक यानी कि गाँव में पहुँचे अल्लाह के रसूल ने उन गाँव वालों की हिफाजत के लिए उनके देखभाल के लिए एक हाकिम एक साहबी को मुतय्यन कर आप यहीं पर रुक जाओ यहाँ संभालो तो उन्हें संभालने रोक दिया गया। 2 लोगों को जासूसी के लिए भेजा गया कि भाई तुम देखो अबू सुफियान का काफिला कहाँ पहुँचा तो 2 लोग यूँ कम हो गए। 2 लोग ऐसे थे कि जो ज़ख्मी हुए एक ऊँट पर से गिरे तो उनकी टांग टूट गई तो उनको वापस कर दिया मकाम बैदा से। दूसरे थे उनके भी पैर में चोट लगी तो उनको भी वापस कर दिया। तो इस तरह 8 लोग जो हैं वो रोके गए कहीं ना कहीं तो 313 में से 8 निकले तो 305 बचे मैदान बद्र में 305 पहुँचे थे। बहरहाल तो ये यानी कि जंग हो गई इस्लाम की सबसे पहली जंग और बड़ी ज़बरदस्त जंग यौमुल फुरकान यानी कि हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली जंग। तो हज़रत अनस इब्न बाद में जब जंग ख़त्म हो गई पता चला खबर फैली तो अनस इब्न नज़्र को पता चला यार इस्लाम की पहली जंग
और लोग मुझे बड़ा बहादुर कहते हैं। फ़ायदा क्या बहादुरी का? अगर मैं इस्लाम की पहली जंग में अल्लाह के रसूल के साथ शरीक ना हो सका तो इस बहादुरी का फ़ायदा क्या? तो इन्होंने कसम खाई और रब की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह अगर आइंदा मौका मिला और तूने मुझे यानी कि किसी जंग में शिरकत का मौका दिया और मैं शरीक हुआ तो फिर अल्लाह मैं दिखाऊँगा मैं क्या करता हूँ, मैं दिखाऊँगा मैं क्या करता हूँ। तो हज़रत अनस इब्ने नज़र को आइंदा साल यानी सन हिजरी 2 में जंग बद्र हुई तो सन हिजरी 3 में जंग उहद हुई और जंग उहद हुई तो उसमें हज़रत अनस इब्ने नज़र को मौका मिला। आप जंग उहद में शरीक हुए और जब जंग उहद में शरीक हुए तो फिर उसके बाद आपने बढ़ चढ़ कर हमले किए। जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, वो मैंने पूरा वाकया बयान किया, पीस गए मुसलमान और मुसलमानों को शिकस्त हुई, मुसलमान भागने लगे, जहाँ जिसका मुँह था उधर भागा। उस वक्त हज़रत अनस इब्ने नज़र का हाल ये था कि वो कुफ्फार मक्का की तरफ भाग रहे थे, दुश्मनों की तरफ भाग रहे थे, कुफ्फार कुरैश की तरफ, और दौड़ते हुए एक सहाबी यानी इधर भागते हुए आ रहे थे तो उनको कहा किधर? ऐ साद, साद इब्ने मौआज़ थे, कहे साद इधर किधर? इधर चलो, मुझे उहद पहाड़ की जानिब से जन्नत की खुशबू आ रही है। शारहीन हदीस फरमाते हैं हो सकता है उन्हें आ गई हो सकता है यानी अल्लाह ताला कादिर है, उन्हें जन्नत की खुशबू सुंघा दी हो सकता है। या फिर कहने का मतलब ये था, अगर यानी कि हकीकी बात नहीं थी कि भाई जन्नत की खुशबू आ रही है, का मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे शहादत इधर नज़र आ रही है, शहीद इधर होकर यानी इधर जाएंगे तो शहीद होंगे तो फिर जन्नत मिलेगी, तो ये भी माना हो सकता है। बहरहाल तो आपने कहा कि साद इधर किधर, जन्नत की खुशबू मुझे इधर से आ रही है, और उसके बाद फिर आप दुश्मनों पर टूट पड़े और आपने बड़ी बहादुरी से जंग की। आपके इर्द गिर्द जब आप यानी कि शहीद होकर गिरे है ना, बाद में जंग उहद में बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहीदों को जमा करवाया कि चलो सारे लोगों को जमा करो, शहदा को दफन किया जाए। हज़रत अमीर हमज़ा भी उसी में थे, हज़रत अनस इब्ने नज़र भी थे, हज़रत मुसाब इब्ने उमैर भी थे और भी बहुत से सहाबा इकराम, 70 सहाबा इकराम शहीद हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमा करवाया तो कहते हैं कि तलाश करवाया गया, हज़रत अनस इब्ने नज़र की तलाश हुई कि भाई वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो एक मकाम पर यानी कि एक लाश है नजर, यानी कि पता नहीं चला कि कौन है, ये पता नहीं चला कि कौन है। इर्द गिर्द चारों तरफ जो है कुफ्फार मक्का गिरे पड़े हैं और बीच में ये गिरे हुए हैं, यानी इर्द गिर्द कुफ्फार मक्का की लाशें हैं, बीच में इनकी लाश है। सरकार ने फरमाया कि ये किसकी है ना, बुलाया जाए पहचान के लिए। तो इनकी बहन को बुलाया, हज़रत अनस इब्ने नज़र की बहन को बुलाया, भाई पूरे लश्कर में अनस इब्ने नज़र नहीं आ रहे, नज़र नहीं आ रहे और मैदान में भी मिल नहीं रहे, तो गए कहाँ? तो इनकी बहन हज़रत यानी कि अनस इब्ने मालिक की वालिदा, इनकी बहन को बुलाया गया और बुलाकर हज़रत अनस इब्ने मालिक की वालिदा नहीं बल्कि इनकी दूसरी बहन, तो इनकी बहन को बुलाया गया और बुलाकर जो है उन्हें दिखाया गया। तो उन्होंने यानी कि उंगलियों के जो पोर है वो देखकर पहचाना, हो सकता है उंगलियों में तिल हो या कोई निशान हो या अंगूठी हो या ऐसा कुछ भी निशान हो, तो बहरहाल उससे उंगलियों के पोरों से पहचाना ये तो मेरा भाई अनस इब्ने नज़र है, ये तो मेरा भाई है अनस इब्ने नज़र। तो उस यानी कि इस तरीके से पहचाने गए, आपका पूरा जिस्म जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, पूरा जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने इन सारे कुफ्फार मक्का को यानी कुफ्फार कुरैश को कत्ल किया और फिर ख़ुद भी शहीद हो गए, इर्द गिर्द जितने पड़े उन सबको पहले उन्होंने कत्ल किया और फिर ख़ुद भी शहीद हो गए। तो हज़रत अनस इब्ने अल्लाह तबारक व तआला ने अनस इब्ने नज़र की यानी के बारे में कुरान पाक में आयत नाजिल फरमाई कि इनमें से सहाबा में से कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने अल्लाह से वादा किया था तो सच कर दिखाया, अल्लाह से वादा किया था कि अगर मुझे मौका मिला तो अल्लाह फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूं, तो उन्होंने अपने रब से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। तो ये हज़रत अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बहादुर थे। इसी तरह से हज़रत मुआज़ और मुआव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों नौजवान हैं, दोनों नौजवान सहाबी हैं और ये भी जंग उहद में शहीद हुए, और बल्कि जंग बद्र में शहीद हुए। जंग बद्र में 14 मुसलमान शहीद हुए थे, 14 मुसलमान, उन 14 में से 2 ये नौजवान भी थे। ये दोनों जो हैं कम उम्र थे, कम उम्र का मतलब 16 साल 18 साल या इस तरह की उम्र थी उनकी। तो बहरहाल पूरे लश्कर में सबसे कम उम्र के ये लोग थे,
इनमें दो अफरा के बेटे थे। अफरा माँ का नाम है, बाप का नाम हारिस है, और अफरा के दोनों बेटे लेकिन अफरा के बेटों के नाम से मशहूर हैं। तो अफरा के दो बेटे थे मुआज़ और मुआव्विज़, और एक मुआज़ इब्न अम्र इब्न जमूह, ये तीन हैं मुआज़ और मुआव्विज़। मुआज़ इब्न अम्र इब्न जमूह, मुआज़ इब्न अफरा, मुआव्विज़ इब्न अफरा, ये तीनों यानी कि मौजूद थे जंग बदर में। उनमें से दो, एक तरफ मुआज़ इब्न अम्र इब्न जमूह हैं, एक तरफ मुआव्विज़ इब्न अफरा हैं, और ये दोनों अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के आजू बाजू में खड़े हैं सफ़ में, और एक दूसरे से यानी कि छुपाते हुए ये इस अंदाज़ में पूछ रहे हैं कि उसको पता ना चले, और वो धीरे से पूछते हैं कि इसको पता ना चले, और धीरे से पूछते हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की रिवायत है बुखारी शरीफ में, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ कहते हैं कि मैं सफ़ में, मैदान बद्र में सफ़ में मैं खड़ा था, फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि देखूँ तो मेरे अगल बगल में कौन है, तो मैंने इधर देखा एक नौजवान लड़का खड़ा है। मैं कहा ये तो नौजवान, कोई काम का नहीं। फिर मैंने इधर देखा, है इधर भी नौजवान, मैंने कहा ये भी नौजवान, मैं तो फंस गया, नहीं सैंडविच हो गया, इधर भी जवान। अब कोई बहादुर होता, कोई हट्टा कट्टा ऐसे मजबूत होता, तो कुफ्फारे मक्का जो है ना वो यानी कि थोड़ा सा मुझे हेल्प हो जाती अगर इधर हमला होता। अब कुफ्फारे मक्का देखेंगे कि पूरी सफ़ में सबसे कमज़ोर मकाम यही है, सबसे कमज़ोर इलाका यही है, जगह यही है कि दोनों नौजवान हैं। अब जब हमला होगा तो मैं अपने आप को बचाऊँगा कि इन दोनों को बचाऊँगा, समझ में नहीं आता, इन दोनों को बचाऊँ कि मैं अपने आप को बचाऊँ, तो इनकी भी ज़िम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ेगी। ये बड़ा टेंशन वाला काम है, डबल टेंशन हो गया। कहते मैं ये सोच रहा था कि अचानक इधर वाले ने, दाईं तरफ वाले नौजवान ने पूछा, चचा। मैंने कहा हाँ। कहा इसमें अबू जहल कौन है, ये लाइन में सब खड़े हैं ना सामने, इसमें अबू जहल कौन है? तो कहते हैं अभी मैं कोई जवाब देता उससे पहले इसने, चचा। मैंने कहा हाँ। कहा इसमें अबू जहल कौन है? धीरे से पूछ रहे ताकि एक दूसरे को बताना नहीं चाहते, और दोनों का मकसद ये है कि मैं, मुझे पता चल जाए अबू जहल कौन है तो मैं ही पहुँच जाऊँ। तो कहते हैं कि मैंने कहा ठीक है, क्या करोगे अबू जहल का? कहा सुना अल्लाह के रसूल को बड़ा बुरा भला कहता है, बड़ी यानी कि उसने अल्लाह के रसूल को सताया, बहुत गालियाँ देता है, बड़ा बुरा भला कहता है। तो हमने इरादा किया, हमारा टारगेट सिर्फ अबू जहल है, हम या तो हमने सोच रखा है कि या तो हम अपनी जान दे देंगे या उसे कत्ल कर देंगे। तो आप अच्छा बताएं अबू जहल कौन है? तो हज़रत रहमान इब्न औफ़ कहते हैं मैंने ऐसे उंगली उठाई, मेरी उंगली उठी थी कि वो यूँ बांस की तरह झपटे वहाँ पहुँच भी गए थे, मेरी उंगली उठाते ही ऐसे झपटे कि अबू जहल तक पहुँच गए और पहुँच कर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कहते ऐसा हमला किया अम्र इब्ने यानी कि मुआज़ इब्ने अम्र इब्ने जमूह और मुआव्विज़ इब्ने अफरा दोनों ने मिलकर, या मुआज़ इब्ने अफरा दोनों ने मिलकर हमला किया, और जब दोनों ने हमला किया वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वो ज़ख्मी भी हुआ और बचाने की कोशिश कर रहा था। अबू जहल के बेटे इकरमा इब्ने अबू जहल बाद में सहाबी रसूल हो गए, मुसलमान हुए फतह मक्का के बाद, तो इकरमा इब्ने अबू जहल ने अपने पर हमला देखा तो वो भी आ गया, तो उसने एक ऐसा वार किया कि मुआज़ जो है, हज़रत मुआज़ का ये बाजू जो है ना वो कट गया, ये हाथ जो है वो कट गया, और कट कर ऐसे लटक गया, चमड़ी के साथ लटक रहा था, और मुआज़ लड़ रहे थे तो इनको ये हाथ जो है ना वो लटकता और डिस्टर्ब कर रहा था, तो इन्होंने अपना हाथ अपने पैर के नीचे रखा और रख कर खींच दिया, अलग कर दिया ताकि जंग में डिस्टर्ब ना हो, लड़ाई में डिस्टर्ब ना हो, तो आपने अलग कर दिया। ये अबू जहल को तो यानी कि मुआज़ इब्ने अम्र इब्ने जमूह, मुआज़ इब्ने अफरा, मुआव्विज़ इब्ने अफरा तीनों ने एक साथ हमला किया और उसे गिरा दिया, ज़ख्मी करके गिरा दिया। मुआज़ का, हज़रत मुआज़ का एक बाजू ये कट गया, उन्होंने अलग कर दिया। बहरहाल ये तीनों के तीन जो हैं जंग बद्र में शहीद हुए हैं, बड़ी बहादुरी से लड़े और तीनों के तीन जो हैं जंग बद्र में शहीद हो गए। तो ये भी बहादुरान इस्लाम में, इनका भी एक अहम यानी कि नाम है और एक अहम हिस्सा है। इसी तरह से एक यानी कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग उहद में या जंग बद्र ही में आप यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपके हाथ में तलवार थी, आपने फरमाया कि इस तलवार का हक कौन अदा करेगा, इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? तो दिगर सहाबी भी आगे बढ़े कि या रसूलल्लाह हम अदा करेंगे, या रसूलल्लाह हम अदा करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत अबू दुजाना आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं अदा करूँगा। सरकार ने तीन मरतबा पूछा कि इस तलवार का हक अदा कौन करेगा, तो अबू दुजाना आगे बढ़ते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इस तलवार का हक मैं अदा करूँगा। सरकार ने उन्हें तलवार अता फरमाई, ठीक है लो, उन्होंने तलवार ली, और उसके बाद फिर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह इस तलवार का हक क्या है, इस तलवार का हक क्या है? सरकार ने फरमाया इस तलवार का हक ये है
कि अल्लाह रसूल पर ईमान रखते हुए दुश्मनों पर तुम हमला करो, दुश्मनों से जंग करो, यहाँ तक के और पीठ ना दिखाओ, है ना, और मुकाबला करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ। आखिरी सांस तक इस तलवार से लड़ते रहो, तलवार हाथ से छूटे ना, और साथ ही साथ ये कि पीठ ना दिखाओ, ये इस तलवार का हक है। तो उसके बाद हज़रत दुजाना, अबू दुजाना जो है वो हमलावर हुए, और फिर आप ऐसे यानी कि दिलेरी और ऐसे जोश व जज्बे के साथ आपने कुफ़ार मक्का पर हमला किया, जंग करते हुए आप शहीद हो गए। तो हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी बहुत बहादुर थे, और जंग बद्र में आपने भी बड़ी यानी हिम्मत व पामर यानी कि जमा मर्दी से आपने मुकाबला किया, कुफ़ार मक्का पर आप तने तनहा टूट पड़े थे। तो आप भी यानी इस्लाम की पहली जंग में शहीद हो गए, आगे फिर मौका मिला ही नहीं, शहीद ही हो गए। और वैसे भी असहाबे बद्र का बड़ा आला मकाम है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो आला मकाम आपको अता फरमाया। ये यानी कि सहाबा इकराम में और भी ऐसे बहुत से यानी कि मुख्तलिफ सहाबा हैं कि जिनकी बहादुरी यानी कि मशहूर है और जिनका नाम याद किया जाता है, याद रखा जाता है, ऐसे बहुत से हैं। एक और यानी कि शख्सियत जिनका आज हम जिक्र कर लें मुख्तसर तौर पर, वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुग़लिया सल्तनत का बानी, हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का बानी। हिंदुस्तान में इससे पहले यानी कि सबसे पहले इस्लामी हुकूमत आई है तो वो है महमूद गज़नवी के ज़रिए। तो पहले गज़नवियों ने हुकूमत की, गज़नवियों के बाद जो है और भी बहुत से यानी कि ख़ानदान आए, ममलूक ख़ानदान आए और लोधी ख़ानदान आया, उसके गौरी ख़ानदान आया, है ना, और उसके बाद फिर मुग़ल आए हैं। तो बहुत से ख़ानदान पहले आ चुके थे, उसके बाद आखिर में मुग़ल ख़ानदान, और मुग़ल ख़ानदान के बाद फिर कोई ख़ानदान नहीं। आखिरी मुग़ल ख़ानदान था जिसने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की, और उसके बाद फिर बरतानिया यानी ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ने इस हुकूमत को ख़त्म किया। तो उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत, अंग्रेज़ों की हुकूमत के बाद हिंदुस्तान आज़ाद और जमहूरी मुल्क हो गया, इंडिपेंडेंस हमें हासिल हुई। बहरहाल तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है 1483 में पैदा हुआ और 1530 में इंतकाल हुआ। 1483 में पैदा हुआ और 1530 में हिंदुस्तान में सल्तनत मुग़लिया की बुनियाद रखने वाला और मुग़ल सल्तनत जो 800 साल चली उसका बानी ये ज़हीरुद्दीन, सुल्तान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इसने यानी कि ये इनकी जो माँ थी, नाम तो सिर्फ मोहम्मद था, है ना, और लक़ब ज़हीरुद्दीन, दीन को गालिब करने वाला। इनकी माँ इनको प्यार से बाबर कहती थी, बाबर का माना शेर, तो इनकी माँ इन्हें प्यार से बाबर कहती थी, तो उसी नाम से मशहूर हो गए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ये जो है इनके वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, यानी उमर शेख मिर्ज़ा, ये फरगाना के रहने वाले थे। तुर्किस्तान में एक शहर है फरगाना, मरगाना, ये सब यानी कि शहर हैं, तो उन्हीं में से फरगाना शहर के ये रहने वाले थे। वहाँ के यानी कि इनके बाप जो हैं वो वहाँ के हाकिम थे, और बाप की तरफ से ये ख़ानदान तैमूर से इनका ताल्लुक़ था, बाप की जानिब से, बाप जो है वो तैमूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और तैमूर जो है ये यानी चंगेज़ ख़ान की नस्ल में से हैं। तो तैमूर ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, तैमूर की पाँचवीं नस्ल में ये मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे, और माँ की तरफ से जो है आपका सिलसिला चंगेज़ ख़ान से मिलता है। तो एक तरफ से तैमूर के ख़ानदान से और एक तरफ से चंगेज़ ख़ान के नस्ल से थे माँ और बाप की तरफ से। तो इस एतबार से दो मशहूर शख्सियतों की यानी औलादों में से आप थे, बाप और माँ दोनों की जानिब से आपका ख़ानदान यानी कि सियासत में हुकूमत में बड़ा नाम रखता था। आप यानी कि जब 12 साल के थे उस वक्त आपके बाप का इंतकाल हो गया, और जब उनका इंतकाल हुआ तो वहाँ के तख्त पर आपको यानी कि हाकिम बनाकर बिठाया गया 12 साल की उम्र में। लेकिन आपके चचा और मामू इन दोनों ने यानी कि आपके शहर पर समरकंद पर हमला किया और कोशिश ये की कि बाबर को हरा कर उस पर कब्ज़ा किया जाए। तो बाबर कभी यानी शिकस्त खाता, कभी जंगलों में भाग
भाग जाता, फिर हमला करता, फ़ौज जमा करके हमला करता, फिर कब्ज़ा करता, कभी फरगाना पर हमला करके कब्ज़ा किया, फिर वो हाथ से निकला, समरकंद पर हमला किया, उस पर कब्ज़ा किया, कभी वो हाथ से निकल गया, बल्ख पर हमला किया, उस पर कब्ज़ा किया, फिर वो हाथ से निकल गया, यानी आपस में, और ये सब ख़ानदान वाले ही आपस में यानी लड़ झगड़ रहे थे, कोई चचा चचा का लड़का है ना, और मामू और ये सब, यानी आपस ही में ख़ानदान वाले ही थे जो एक दूसरे पर हमले करते और एक दूसरे से शहर को छीन लेते थे। आखिर में जो है 1504 में ये बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया, बल्ख और काबुल का हाकिम बन गया, और उसके बाद फिर जो है इसने हिंदुस्तान का रुख किया। हालांकि बल्ख और काबुल में भी इसकी ज़्यादा हुकूमत नहीं रही, वहाँ एक यानी कि बादशाह था उज़्बे की बादशाह, उसने यानी कि हमला किया और बाबर को वहाँ से जिला वतन कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। तो बहरहाल वो जंगलों की तरफ भागा, फिर उसके साथ 200 सिपाही थे, लेकिन फिर उसने फौज तैयार की, लोगों को जमा किया अपने साथ, और फिर उसके बाद उसने हिंदुस्तान का रुख किया। और जब हिंदुस्तान का रुख किया तो यहाँ भी उसकी तकदीर अच्छी थी, हर जगह यानी जहाँ भी गया इसकी तकदीर अच्छी, इस एतबार से कि कोई ना कोई साथ देने वाला मिल जाता, कोई ना कोई साथ देने वाला, इसके पास लोग थोड़े होते, कोई ना कोई साथ देता, एक बड़ी फौज तैयार होती, फिर हमला करता। तो जब हिंदुस्तान यानी कि की तरफ इसने रुख किया तो हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे यानी कि लोग मिल गए, कुछ ऐसी हुकूमतें मिल गई कि जिन्होंने साथ दिया बाबर का, ज़ेरुद्दीन बाबर का साथ दिया। और असल में तो उस वक्त इब्राहिम लोधी की यानी कि हुकूमत थी हिंदुस्तान में। तो 21 अप्रैल 1526 में सबसे पहली पानीपत की जंग हुई है, 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली जंग हुई, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी की फ़ौज के दरमियान ये जंग हुई थी, जो दिल्ली का बादशाह था इब्राहिम शाह लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो है उसकी फ़ौज की तादाद जो है सिपाहियों की 1,00,000 थी, 1,00,000 की फ़ौज थी, और बाबर के साथ सिर्फ 12,000 आदमी थे, 1,00,000 की फ़ौज के सामने सिर्फ 12,000 फ़ौजी थे बाबर के साथ। लेकिन ये कि बाबर ख़ुद भी एक तजर्बाकार सिपा सालार था, बचपन ही से फ़ुरून हर्ब और जंग में बड़ी महारत हासिल थी, तजर्बाकार भी था और साथ ही साथ ज़हीन भी था, उसे यानि कि तदबीरें आती थी, चाल चलना आता था। तो इस एतबार से उसने 1,00,000 की, इब्राहिम लोधी की 1,00,000 की फ़ौज को शिकस्त दे दी। इब्राहिम लोधी की फ़ौज ने शिकस्त खाई और जहां मुँह था उधर भागे, है ना, भागने का भी उन्हें यानी कि होश नहीं था। बहरहाल उन्होंने मुकाबला किया लेकिन बिला आखिर हार गए, और हार गए तो फिर उसके बाद जो है ये यानी कि सुल्तान ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान पर दिल्ली पर कब्ज़ा किया, और दिल्ली पर कब्ज़ा किया और अपनी हुकूमत कायम की। जब दिल्ली पहुँचे तो इब्राहिम लोधी की माँ, उसने यानी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का इस्तकबाल किया, महल में वो मौजूद थी, उसने इस्तकबाल किया, तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने उसे अपनी माँ का मकाम दिया, उसे अपनी माँ का मकाम दिया और अपने साथ रखा, और भी सारे लोग जो थे वो फिर बाबर के साथ हो गए। और हिंदुस्तान आने की जो दावत दी थी यानी कि काबुल, बल्ख और काबुल पर हाकिम था बाबर, तो वहाँ से हिंदुस्तान आने की जो दावत दी थी वो भी यानी कि दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था, है ना, चचा का लड़का दौलत खान लोधी, उसी ने, वो पंजाब का हाकिम था, उसी ने दावत दी थी कि आप आओ और आकर हमला करो, मैं आपका साथ दूंगा। तो बाबर ने आकर हमला किया, इसने साथ भी दिया, और बहरहाल इस तरह से जो है हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत की इब्तिदा हुई है 1526 से। तो उसके बाद जो है मोहम्मद यानी कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान में अपना यानी कि ये पानीपत की पहली जंग फतह हुई, उसके बाद फिर मुग़ल सल्तनत को फैलाना शुरू किया, और फिर उसके बाद मेवात और बंगाल, बिहार, इन सारे इलाकों पर भी उसने हमला किया, उन पर भी उसने कब्ज़ा किया, इन्हें भी फतह कर लिया, और पूरे हिंदुस्तान में फिर मुग़ल सल्तनत कायम हो गई। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है ये यानी कि पहला वो बंदा है कि जिसने हिंदुस्तान में, ये बानी है सल्तनत मुगलिया का, उसके बाद उसका बेटा जो है तैमूर, है ना, और उसके बाद फिर अकबर और शाहजहाँ, जहांगीर वगैरह, ये सारी यानी कि मुगलिया सल्तनत की एक लंबी लिस्ट है जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करती आई। इसकी यानी कि इसका इंतकाल 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ, लेकिन इसने वसीयत की थी कि मुझे काबुल ही में दफन किया जाए, तो फिर यहाँ से आगरा से उसे काबुल ले जाया गया, और काबुल में उसे एक पहाड़ पर दफन किया गया। आज भी वहाँ उसकी यानी कि मज़ार, उसका, उसकी
कब्र मौजूद है और उस पर मकबरा भी बना हुआ है। तो बाग़े बाबर, उसे जहाँ दफन किया गया उस जगह का नाम बाग़े बाबर रखा गया, तो आज भी उसकी कब्र वहाँ मौजूद है। तो बहरहाल ये यानी कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, मोहम्मद बाबर, ये वो शख्स था, वो बंदा था जो हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत का बानी था और बचपन से 12 साल की उम्र से लेकर के आखिरी सांस तक इसके हाथ से कभी तलवार नहीं छूटी। ये पूरी ज़िंदगी जंगों ही में मसरूफ़ रहा। खैर, ये यानी कि हमारी आज की आखिरी शख्सियत थी। इंशाल्लाह अगर कल मौका मिला तो फिर हम किसी न किसी को तलाश करके लाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।